यूक्रेनी युद्ध को 68वां दिन है। यूक्रेनी सेना ने दावा किया है कि उसके एक ड्रोन ने ब्लैक सी में रूस की दो रैप्टर क्लास बोट को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया है। वही जंग में अब तक 24,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की भी मौत हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद आर्मी चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव भी घायल हो गए हैं। 2 मई को प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपना आगे का रास्ता चुन लिया है। सोमवार सुबह एक ट्वीट के जरिए उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि वे बिहार से शुरुआत कर रहे हैं। पीके ने लिखा, लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल तक रोलर कोस्टर की सवारी की। अब जब मैं पन्ना पलट रहा हूँ, वक्त है असली मास्टर्स के पास जाने का, जनता के पास जाने का, ताकि जन स्वराज के मुद्दों और रास्तों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। शुरुआत बिहार से। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति नहीं भंग की जा सकती है। ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। मशहूर कवि कुमार विश्वास को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। फिलहाल कुमार को यह अंतरिम राहत दी गई है। अब उनकी केस खारिज करने की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में पूरा आदेश आना बाकी है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में फिर एक बार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नए केस 3,000 के आसपास आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में 3,314 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2,723 मरीज रिकवर हुए हैं। इस दौरान 26 लोगों की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 51,36,00,000 हो गए। इस महामारी से अब तक कुल 62,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11.59 अरब से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं। सऊदी अरब की पवित्र मस्जिद नबी में पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करवाना इमरान खान को भारी पड़ गया है। फैसलाबाद में इमरान और उनके 5 साथियों पर केस दर्ज कर लिया गया है। होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने कहा कि मदीना जैसी पवित्र इबादत गाह पर सियासी नारेबाजी करना ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी में घिरे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की लोकप्रियता में गिरावट आई है। सोमवार को आए सर्वे के नतीजे के अनुसार लेबर पार्टी के नेता किया स्टारमर ने उन्हें पछाड़ दिया है। सर्वे में जॉनसन को 43% लोगों ने, जबकि स्टारमर को 57% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। अक्षय तृतीया के एक दिन पहले यानी 2 मई को सोना चांदी के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में सोना 649 रुपए सस्ता होकर 51,406 रुपए पर आ गया है। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 3:30 बजे सोना 729 रुपए की गिरावट के साथ 51,025 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 84.5 की गिरावट के साथ 56,975 पर, जबकि निफ्टी -37.45 अंक फिसल कर 17,069 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, NTPC, पावर ग्रिड, SDFC, अल्ट्राटेक सीमेंट और ITC में सबसे ज्यादा बढ़त रही।